अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं वाइट राइस, पर वाइट राइस सिंपल नहीं है। हम ना कनौर का पुलाव स्टॉक होता है पुलाव का, वो पुलाव मसाले का स्टॉक होता है, वो हम यूज़ करेंगे और थोड़ा गरम मसाला यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने ऑयल को थोड़ा गरम कर देना है और उसके बाद आपने ना मर्ज़ी से गरम मसाला जितना भी आप ज़्यादा डालोगे उतना टेस्ट आएगा। जो जैसे आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है गरम मसाले में, वो चीज़ आप चावलों में डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक फूल डाला है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना वो बड़ी इलायची डाली है और फिर मैंने इसमें अलग अलग चीज़ें डाली हैं। मैंने जैसे पूरा गरम मसाला होता है ना सब वो डालें, ठीक है। अब वो सारा डाल के इसको हल्का सा हम लोगों ने वो करना है, इसको फ्राई करना है हल्का सा, ठीक है। सारे गरम मसाले डाल के फिर इसको हल्का सा फ्राई करना है। इसमें मैंने पत्ता भी डाला है, ताज पत्ते मैंने थोड़े ज़्यादा एक में एक्स्ट्रा डल दिया था तो वो मुझे निकालना था तो वो मैंने निकाल लिया है। अभी ये दो हाफ हाफ पत्ते करके डाले मैंने ना, दालचीनी डाली है, एक छोटी इलायची डाली है और देखते हैं जाए। अब इसमें हम लोग हल्का सा फ्राई होना स्टार्ट हो रहा है, बुलबुले इसके आने स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें ना हमने काली मिर्च साबित डाली है, फिर लौंग डालेंगे। काली मिर्च 3 से 4 मैंने साबित डाली है और लौंग मैंने 2 से 3 डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लौंग ज़्यादा टेस्ट मुझे लौंग का अच्छा नहीं लगता, तो 2 से 3 डालें और इसको हल्का सा फ्राई कर देना है। इसके हल्का फ्राई करके फिर इसमें मुझे दही डालना था, पर दही फिर एंड टाइम पे मेरे पास नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर फिर दही नहीं ऐड किया था। मैंने दही को फिर ना स्किप कर दिया था। फिर बग़ैर दही के भी बहुत मज़े का बन गया था। इसके बाद मैंने एक मीडियम स्मॉल साइज़ टमाटर लिया, उसके छोटे छोटे पीसेस कट किए और वो मैंने डाला है। और अब इसके बाद मैंने कनौर के ये पुलाव स्टॉक डाला है, एक डाला है, 2 होते हैं उनमें से 1 मैंने इसमें डाला है, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि इसमें टेस्ट भी ज़्यादा वो आ जाएगा। तो इसको हल्का सा फ्राई होने दें। उसके बाद इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा डाला, वो मैंने ना 1.5 टीस्पून ज़ीरा डाला क्योंकि उसका चावलों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्राई वाले ज़ीरे का, तो मैंने 1.5 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया। अब इसको थोड़ा फ्राई होने दिया है, इसमें मैंने फिर पानी डाल दिया हल्का सा। इसमें जब ना बस आपको लगे ना कि ये बस अभी जल रहा है तो इसमें पानी डाल दें। फिर पानी 1 गिलास डाल के मैंने सोया सॉस डाला, थोड़ी सी सोया सॉस मैंने डाली, ये भी मैंने 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून सोया सॉस डालें जितना आपको अच्छा लगता है। फिर इसमें मैंने नमक ऐड किया है, नमक भी मैंने ना चावलों को आपकी मर्ज़ी, जैसे कुछ हल्के नमक वाले चावल खाते हैं, कुछ होते हैं थोड़े तेज़ नमक खाते हैं, तो नमक आप अपनी हिसाब से डालेंगे। तो इसको अभी हम मिक्स करेंगे, इसको हम बॉयल आने देंगे। चलिए, मैंने इसमें और पानी डाल लिया, जितने वगे थे उस हिसाब से डाला। मैंने हरी मिर्च 3 डाली हैं, छोटी हरी मिर्च डाली हैं। अब देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अब ये मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया, उसके ऊपर मैंने पुदीना थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब इसको हमने उबाल देना है सही से, जैसे चावल बॉयल होते हैं वैसे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी इस वक्त आ रही थी मसालों की, गरम मसाले और पुलाव स्टॉक। ये देखिए पानी अब सूख गया। अब हमने थोड़ा ऐसे करके चावलों को हिला के इसके ऊपर भी मैं गार्निशिंग करती हूँ। जैसे ये आप ना दावत वगैरह हर जगह पे हम बना सकते हैं ऐसे चावल, बिरयानी वगैरह बना के बंदा बोर हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने थोड़ा जर्दे का रंग डाला, फिर धनिया पुदीना पूरा मैंने इसके ऊपर डाल दिया, अच्छे से इसको कवर कर दिया धनिया पुदीना से। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। फिर हम इसको 15 to 20 minutes हम इसको दम पे रखेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डाल रहे हो तो उसमें ना पानी में उबाल ज़्यादा पानी डालोगे तो चावल गल जाते हैं। तो अगर नॉर्मल आपके पानी, आपको पता है कि आपके पानी इतना नहीं था तो आप दम ज़्यादा दोगे, 25 minutes आप दे दो पान। तो इसमें मैंने ये देखें, ये मैंने इसको पूरा मेरीनेट करके इसे दम नब दे देते हैं। मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने पूरे मिक्स किए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के चावल बने। हम ये दावतों वगैरह में भी बना सकते हैं, चिकन के साथ, कोई ना ड्राई चिकन ड्राई बीफ के साथ बहुत अच्छा लगेगा।
चले जी, अब यहाँ पे मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ। अम्मी ने पहले ही आलू के कबाब बना के रखे थे, इसमें थोड़े बंद गोभी डाली और मसाला जो कबाब आलू के कबाब में डलता है वो, बस मैंने शेप करके मैंने इसको फ्राई करने थे। अब मैंने इनको फ्राई कर लिया, इनका शेप भी अच्छा सा बना लिया, गोल थोड़ा चेंज शेप कर दिया। अब इसका यहाँ पे हमारे कबाब बस तैयार हो गए, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कबाब का भी और राइस का भी निकाल के, थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करके। ठीक है, अभी ये देखें, बहुत मज़े के राइस बने थे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।